हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। चलो लर्न करते हैं। और मेरा नाम है मनीषा और आज हम लोग ट्री की ड्राइंग बनाएंगे। तो चलिए हम लोग कलरफुल ट्री की ड्राइंग बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम लाइन खींचेंगे सीधी, ये दूसरी तरफ भी, और फिर अब एक टहनी निकालना है हमें। ओके, अब ये देखिए, और इसे बी, ये देखिए बी जैसा है ना, तो उसी तरह हम निकालेंगे। ठीक है, जैसे वी होता है अल्फ़ाबेट में, इसमें ज़्यादा, ये देखिए ये भी बड़ा सा वी हो गया। ठीक है, अब इसी तरह ये दूसरी टहनी निकल गई, ये मैं थोड़ा सा इसे पतला कर रही हूँ, इसके शेप में ले जाना है। फिर से एक और टहनी इसी में से निकाल दिया, ये देखिए ये ऐसे। ये देखिए मैंने फिर से भी बना दिया। अब हम लोग इसकी पत्तियाँ इधर से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो चलिए ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हम लोग जिसे थ्री अक्षर दिखाता है ना, थ्री नंबर दिखाता है, बस उसी तरह बनाना है। और इस साइड उल्टा थ्री बनेगा। ठीक है, बस आप ऐसे याद रखिए, दाएं साइड राइट के साइड उल्टा थ्री बनेगा, अपोजिट थ्री, और लेफ्ट के साइड थ्री बनेगा, जैसे हम थ्री लिखते हैं, थ्री नंबर। अब इधर से हम लोग कुछ लाइन खींच देंगे और फिर ट्रायंगल को, जो शेप होता है ट्रायंगल का शेप, बस वैसे हमें देना है। ठीक है, इस तरह से देखिए ट्रायंगल जैसा बन रहा है ना, इस तरह से हम देते जाएंगे। ये हो गया पेड़ के नीचे का भाग। ओके, अब जहाँ से हमारी टहनियाँ निकली हैं, ये देखिए इस तरह से कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम करते जाएंगे जहाँ से टहनियाँ निकली हैं। और बीच बीच में भी हम जैसे थ्री हमने बनाया वैसे ही बनाएंगे, या फिर मतलब इसी तरह बनाते जाना है। ज़रूरी कि थ्री ही थ्री को और आगे कर दें, दो थ्री लगातार बना दें, तो इस तरह से हम बनाते जाएंगे। तो इस तरह से हम बच्चों को ट्री की ड्राइंग बनाना सिखा सकते हैं कि चलो तुमको केवल थ्री लिखना है, इसमें थ्री रेगुलर लिखते जाना है, चाहे वो उल्टा हो या फिर सीधा हो। तो इस तरह से ट्री बना सकते हैं बच्चे। आप पहले ट्री को आउटलाइन कर लें, नहीं तो देखिए मैं पहले कलर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने ब्रश लिया है और जो ब्रश का जो बाल है मैंने उसे इधर उधर बिखेर दिया है, ताकि मैं कलर देने में, कलर डालने में बहुत आराम हो। इस तरह से हम कलर टैप करके डालेंगे, क्योंकि बाल इसके बिखरे रहेंगे तो ज़्यादा सहूलियत होगा कलर को डालने में। बस हमें कलर को डिप करना है, कलर ब्रश को डिप करना है कलर में। और इस तरह से देखिए हम इस तरह से पैच इस तरह से देते जाएंगे। ये मैंने ग्रीन कलर लिया है। पहले आप आउटलाइन कर लें, मैंने आउटलाइन पहले नहीं किया है। ये देखिए इस तरह से हम ग्रीन कलर मैंने लिया, तो इस तरह से हम डालते जाएंगे कलर को, कलर में डिप करके। इस तरह से, ठीक है। अब मैं दूसरा कलर लूँगी और ये है रेड कलर। ठीक ऐसे ही मैंने ब्रश को सुखा करके इसके बाल को बिखेर करके फिर डिप किया कलर में, और फिर मैं इस तरह से डाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हमें डालते जाना है। ये देखिए इस तरह से हमें पूरे में डालते जाना है। ये देखिए मेरा ब्रश को आप ध्यान से देखिए कितना बिखरा हुआ है ब्रश, ये देखिए। यहाँ मैंने फिर से ग्रीन कलर ले लिया है और इसमें थोड़ा सा कलर भी कर दूंगी उस टहनी को छोड़ करके। ठीक है, कहीं कहीं मैं ग्रीन से कलर कर लूँगी और फिर मैं उसका पैच भी डालूँगी, टैप करूँगी फिर कलर ले करके। ये देखिए मैं कहीं कहीं कलर भी कर ले रही हूँ।
आपको देखने में आसानी हो इसलिए देखिए मैंने आउटलाइन करना शुरू कर दिया है। ये पूरे पेड़ में मैं आउटलाइन इस तरह से कर लूँगी, टहनियों में, पेड़ में। ओके, अब मैं ब्रश को डिप करके येलो कलर को डाल रही हूँ। इसमें ब्रश में इस वक्त पानी नहीं मिलाना है, ठीक है, डायरेक्ट कलर यूज़ करना है। हमें इस तरह का जब कलर कर रहे हैं तो डायरेक्ट कलर यूज़ करें, पानी ना मिलाए। अब मैं ये फिर से ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ, तो इसी तरह हमें रेड, येलो, ग्रीन, ज़्यादातर तो कलरफुल ट्री में यही कलर्स होते हैं, और कुछ कुछ आप चाहे तो ब्लू भी डाल सकते हैं, जो आपका मन करे, पर ये रेड, येलो, ग्रीन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं कलरफुल ट्री में, वो ज़्यादा नज़र आते हैं। अब मैं पूरे ट्री को ब्राउन कलर से कलर कर रही हूँ, क्योंकि टहनियाँ इसकी ब्राउन होती है किसी भी पेड़ की, तो इस तरह से पूरे में हम ब्राउन कलर कर देंगे। यहाँ मैं शेड देने के लिए थोड़ा सा वाइट कलर मिक्स कर रही हूँ ब्राउन में, कहीं कहीं इस तरह से लाइन खींच देंगे वाइट कलर से। अब हम ब्लैक कलर से इसकी लाइन खींचेंगे, जहाँ जहाँ हमारा लाइन छुप गया है वहाँ हम ब्लैक से शेड दे देंगे। इस तरह हम आउटलाइन बना लेंगे, और ये देखिए मैं छोटे छोटे लाइन डाल रही हूँ ये सब टहनियों में, ये सब पेड़ में दिखाने ज़रूरी होते हैं टहनियों में। ये देखिए जिस तरह से मैं डाल रही हूँ छोटे छोटे, उसी तरह डालना है। देखिए जहाँ जहाँ जड़ें निकली हुई हैं वहाँ मैं पैच डाल रही हूँ, वहाँ लाइन छोटे छोटे लाइन दे रही हूँ। ये देखिए किनारे में दे दिया, इस तरह यहाँ किनारे में दे दिया, तो जहाँ जहाँ जड़ें निकली हुई हैं, देखिए 6 जगह निकली हुई हैं, तो मैंने वैसा डाला है, छोटी छोटी लाइन करके डाल दिया है। ये बच्चों के लिए सिंपल ट्री था, सिंपल कलरफुल ट्री, जिसे मैंने समझाने की कोशिश की है, और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और बच्चों को भी आप इस तरह से समझाइएगा जिस तरह से मैंने समझाया है, तो उम्मीद है कि वो अच्छे से समझ पाएंगे, थ्री लिख करके वो बना पाएंगे। और ओके, फिर वीडियो मेरा पसंद आएगा तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को, जो कि रेड कलर में नीचे बटन है उसे आपको प्रेस करना है, और फिर बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा, जो घंटी का जो फोटो है उस पे भी आपको प्रेस करना है। ओके, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग।